हेलो गुड इवनिंग नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरीवन अ अम वेलकम टू सिरीन पाठशाला आज की हमारी स्पोकन की क्लास में हम कुछ सेंटेंसेस अगेन देखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो सके ऐसे वाक्य जो हमें डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में सक्षम बनाएं. ऐसे ही सेंटेंसेस बोलकर आप लोगों का इंग्लिश का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इंग्लिश बोलने में आप लोगों को सहजता महसूस होगी और इन्हीं वाक्यों से आप और एडवांस्ड वाक्य आगे चलकर बना सकेंगे तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे यहां पर जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है ये आपको प्रैक्टिस करना है मुझसे शुरू करना है मेरे साथ प्रैक्टिस करना शुरू करना है और आपको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना है ठीक है तो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं या जिनके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके भाई बहन हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके साथ में जरूर शेयर करिएगा ठीक है कोई खास भी हो सकता है जिनसे आप ज्यादा बातें करते हैं तो शेयर करिएगा उन्हें भी इंग्लिश सिखाइएगा खुद भी इंग्लिश सीखिएगा चलिए फटाफट से क्विकली रेडी फॉर द स्पोकन सेशन सिक्स ट्वेंटी वन डे चैलेंज है बच्चों मैंने आप लोगों को पहले क्लास में ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही हमने देखा था कि ट्वेंटी वन डेज साइंटिफिकली प्रोवन है किसी भी किसी भी स्किल को या किसी भी आदत को जड़ पकड़ने में स्था, स्थापित होने में जिसको हम कहते हैं स्टैब्लिश होने में एनी

वेलकम बैक टू सुरीन पाठशाला आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच डू टेल मी योर रीजन वाई आर यू हेयर ऑफकोर्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाद में क्लास के बाद ठीक है जब भी मैं आपको कोई भी होमवर्क दू क्लास में वो आप करेंगे ठीक है कहाँ पे करेंगे कमेंट बॉक्स में लाइव वीडियो के बाद ठीक है चलिए सो so, आज के वाक्य शुरू करें एवरी वन आई एम गुड थैंक यू अजय कुमार एंड एवरी वन एंड यस हम लोगों को क्लास स्पोकन वाली क्लास कैसे शुरू करनी है दो दिन क्लास नहीं हुआ है बच्चे भूल गए लग रहा है कैसे शुरू करना है पॉजिटिव थॉट के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में आप कहेंगे आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली वेरी गुड गोविंद जाट शाबाश आपको कैसे क्लास शुरू करना है आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली शाबाश बहुत अच्छे बहुत बढ़िया एक बार बोलेंगे साथ साथ बोलेंगे ठीक है लिखना भी है और साथ साथ बोलना भी है ओके चलो आ जाओ बच्चों आज का सबसे पहला वाक्य सबसे पहला वाक्य हम बोलते ही है ना भगवान की माया तो न्यारी है ठीक है भगवान की माया न्यारी है चलो बताओ कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को अगर आपको हिंदी में तो आपने बोला ही होगा है ना जितने भी बच्चों ने हिंदी में यह वाक्य बोला है Uh, मुझे एक बार हैंड्स अप करेंगे ठीक है थम्स अप करेंगे लाइव uh, वीडियो में लाइव कमेंट्स में एक बार देखते हैं ठीक है और आप मुझे बताओ कि अगर आपको यही वाक्य इंग्लिश में बोलना पड़ा तो कैसे कहोगे भगवान की लीला न्यारी है अगर आपको ये बात कहनी पड़े इंग्लिश में तो आप कैसे कहेंगे यस वेरी गुड कैसे कहेंगे न्यारी मतलब हम न्यारी क्यों कहते हैं भगवान की महिमा न्यारी है क्यों कहते हो आप समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कब क्या हो रहा है ना आप समझ ही नहीं पाते हैं कोई चीज जब आपके लिए सीक्रेट रहता है आ, ओके वुमेन आर गॉड गिफ्टेड ठीक है भाई आप तो कहीं और ही पहुंच गए हैं भाई मिर्कल ऑफ गॉड मतलब यहां पे तो आप बोल रहे हैं मिरिकल माया ओके आप माया क्यों कहते हैं इस बात को आप माया क्यों कहते हैं क्योंकि समझ के बाहर है लॉजिक से बाहर है इसीलिए आप इसे माया कह रहे हैं है ना सो भगवान की माया मतलब भगवान के जो तौर तरीके हैं कोई समझ नहीं पाया ठीक है कोई समझ नहीं पाया कैसे कहेंगे चलो क्या कहोगे ठीक है, mysterious, mysterious, mysterious मतलब गुप्त गोपनीय पता ही नहीं चलता भगवान कब क्या सोचते हैं क्या कर रहे हैं ठीक है ठीके? आज तुम्हारा उससे लड़ाई हो गया है ब्रेक ऑफ हो गया है शायद तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हुआ हो पता नहीं हमें है ना तो आप कहेंगे भगवान की माया न्यारी है मिस्टीरियस नहीं पता ये क्यों हुआ है लेकिन भगवान पर विश्वास करो और आगे बढ़ो मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड मिस्टीरियस गॉड्स वर्क्स आर ऑसम ओके वर्क्स ये शब्द आप नहीं यूज करेंगे बच्चों वर्क्स ये शब्द इसका मतलब होता है साहित्य ठीक है तो भगवान बैठ के कोई लेटर कोई कालेदास थोड़ी है वो कि कोई लेटर लिखेंगे कोई कहानी लिखेंगे तो वर्क्स नहीं कहेंगे ठीक है तरीके मिस्टीरियस आर द ऑफ़ गॉड एक बार सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे सेंटेंस को मेरे साथ साथ दोहराओ मिस्टीरियस मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड ठीक है ओके चलो भाई तो ये तो डेली लाइफ में यूज होने वाला एक वाक्य मैंने तुम्हें बता दिया है इसको तुम पढ़ सकते हो और अब तुम्हें याद भी रहेगा एक दो बार मेरे साथ प्रोनाउंस कर लो बोलना कैसे है वो भी आपको पता होगा ठीक है चलो बच्चों अगर हमें यह कहना है किसी का बुरा मत सोचो कोई काम जब मना करना होता है है ना किसी का बुरा मत सोचो जब हमें कोई काम मना करना होता है जब हमें कोई काम मना करना होता है किसी का बुरा मत सोचो ठीक है ठीक है ये मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कैसे स्टार्ट करना है सेंटेंस सेंटेंस हाउ विल यू स्टार्ट दिस किसी का बुरा मत सोचो अगर आपको कहना है तो हाउ विल यू स्टार्ट दिस सेंटेंस यस वेरी गुड सारे बच्चे जो भी बच्चे सीख रहे हैं दोहराते जाएंगे ठीक है बोलते भी जाएंगे मेरे साथ साथ बोलना है स्पोकन इंग्लिश क्लास है यहां पर मेरे बोलने से तुम्हें बोलने नहीं आएगा तुम्हें मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा ठीक है और पहले दिन तुम्हें तुमने वादा किया है ये ऑफर अनलिमिटेड नहीं है सिर्फ 21 डेज चैलेंज है ये 21 डेज हमारा फ्री स्पोकन बैच चलेगा इसका भरपूर प्रयोग करो कि 21 दिन में तुम्हें अपने अंदर बदलाव महसूस हो और तुम सेंटेंसेस बोल पाओ अच्छे सेंटेंसेस बना पाओ उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश दिन प्रतिदिन जितना तुम वोकैबुलरी पढ़ते जाओगे उतना और बेहतर होता जाएगा ठीक है लेकिन शुरू यहां से हो जाना चाहिए किसी का बुरा मत सोचो डोंट थिंक बैड एनीबॉडी ओके ठीक है बैड हम ये कहते हैं डोंट थिंक इल ऑफ ठीक है इल ऑफ का मतलब होता है बुरा ठीक है किसी का किसी का बुरा मत सोचो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि, कि किसी को बुरा मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि वो गधा है वो बुरा है ऐसा नहीं हम जैसे बोलते ना कि उसका बुरा उसका भला नहीं होना चाहिए है ना वो वाला वैसा वाला बुरा मत सोचो उसके लिए हमारे पास है देखो कैसे शुरू करेंगे वेरी गुड इतना तो बच्चों को आ गया है डोंट थिंक है ना मत सोचो आपने मना किया है तो हम कह रहे हैं डोंट थिंक डोंट से हमने शुरू कर दिया डोंट थिंक इल ऑफ एनी वन

यार तुझे यही क्यों करना है तो यही करने पे क्यों उतारू हो गया है बताओ इसको कैसे लिखोगे आप अब यहां से आपके स्ट्रक्चर शुरू हो रहे हैं अब यहां से आप लोगों के स्ट्रक्चर शुरू हो रहे हैं और बच्चों इंग्लिश इंग्लिश विद विद सुमन सुमन टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल शर्मा ज्वाइन कर लेना जहां पर आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा ये सेम चीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा ठीक है तो शुरुआत में अगर आप कहीं पर भी लड़खड़ाएंगे परेशान होंगे तो आप लोगों के पास पीडीएफ होगा रिवाइज कर लेना एक बार बैठ के इसको बोल के देखना किसी का बुरा मत सोचो तो हमने कहा थिंक इल ऑफ एनी वन ठीक है Next sentence आगे आपका तुम करने पर क्यों उतारू हो तुम ये करने पर क्यों उतारू हो ठीक है तुम ये करने पर क्यों उतारू हो तुले हुए हो जिद पर आ गए हो ऐसे मीनिंग्स ठीक है सो so, तुम ये करने पर क्यों उतारू हो चलो एक्साइटेड का मतलब है खुश ठीक है, एक्साइटेड का तो मतलब है खुश। यहां पे उतारू का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल जिद पर आ सोचना आर्टिक ड्रीम्स थिंकिंग का तो मतलब होता है सोचना ठीक है चलो ये बताओ तुम ये करने पर क्यों उतारू हो बच्चों एक सेंटेंस वाई आर यू कीन कीन का तो मतलब हो गया अक्षत उत्सुक होना किसी चीज के लिए ठीक है यहां पर उतारू जब आप किसी को कहते हो तो वो जिद पर आ गया होता है अड़ गया होता है कि मैं तो यही करूंगा है ना ये वाले मीनिंग के लिए हमारे पास सेंटेंस क्या है देखो व्हाई आर यू एक फ्रेजल वर्ब है बेंट ऑन ठीक है बेंट ऑन मतलब तुला हुआ होना उतारू होना ठीक है व्हाई आर यू बेंट ऑन और याद रखना इसके बाद आप वी1 प्लस आईएनजी में वर्ब लिखेंगे जो भी एक्शन है वर्ब क्या है एक्शन क्या है करने पर है ना करने पर तो करने के लिए आपने क्या लिखा डूइंग करने पर के लिए क्या लिखा आपने डूइंग अभी इसी स्ट्रक्चर पर आप लोगों को सेंटेंस बनाना है नहीं वाई आर यू स्टबन सुनील सहारन बेटा इसका तो मतलब हो गया तुम जिद्दी क्यों हो है ना हम ये कह रहे हैं कि तुम ये करने पर उतारू क्यों हो क्यों तुले हुए हो तुमको यही क्यों करना है राइट right? क्यों एकदम जिद पकड़ लिया है कि मुझे ये काम करना है तुम ये करने पर क्यों उतारो वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस वाई आर यू बेंट ऑन doing दिस ये क्लियर है नहीं वाई आर यू अग्रेसिव अग्रेसिव का तो मतलब एकदम गुस्से में आ जाना नहीं गुस्से में आना नहीं है ठीक है अब आगे देखो सेंटेंस आएगा आप तुरंत समझ जाओगे ये समझ आ गया सारे बच्चों ये स्ट्रक्चर लिख के दिखाएंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस Why are you bent on doing this? चलो अब फटाफट -फड़ से आंसर तुम इंग्लिश सीखने पर क्यों उतारू हो तुम इंग्लिश सीखने पर क्यों उतारू हो ठीक है अब यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं है है ना कोई जिद नहीं है आपको पता है कि ये आज की जरूरत है आपको भली भांति पता है कि ये आज आपकी जरूरत है आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो लेकिन इंग्लिश नहीं आता तो आपको बहुत ही इजीली गवार सा समझ लिया जाता है होता है ये ये फैक्ट है ठीक है तो क्यों हमारे अंदर अगर नॉलेज है क्षमता है सीखने की क्षमताएं है तो हम सीख क्यों ना ले इंग्लिश ही तो है 21 डे 21 डे चैलेंज मैं आपको दे रही हूं 21 डे में अगर आप लोगों का इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बोलने में अगर नहीं इंक्रीज हुआ तो बताना मुझे ठीक है सो so, तुम इंग्लिश सीखने पर वाई आर यू बेंट ऑन शाबाश वेरी गुड आर के वेरी गुड आ गया बच्चों सेंटेंस अगर ये सेंटेंस आपको किसी को कहना पड़े कि तुम ये एक्शन करने पर क्यों उतारू हो तो सीधा सीधा ये कहेंगे वाई आर यू बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश शाबाश बहुत अच्छे सारे बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे वाई आर यू बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश चलो एक और देख लेते हैं एक और देख लेते हैं भाई तुम उससे लड़ने पर क्यों उतारू हो तुम उससे लड़ने पर क्यों उतारू हो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका तुम उससे लड़ने पर भाई क्यों क्या हो गया ऐसा क्या हो गया ठीक है तुम उससे लडने पर क्यों उतारू हो तुम उसका सर फोड़ने पर क्यों उतारू हो बताओ क्विकली जल्दी जल्दी कमेंट्स में आंसर कमेंट्स में भी आंसर और बोलना भी है बोलना भी है साथ साथ इस चीज की ईमानदारी तुम्हें दिखानी है ठीक है वाई आर यू बेंट ऑन वाई आर यू बेंट ऑन लड़ने पे फाइट वी1 प्लस आईएनजी करना है फाइटिंग उससे फाइटिंग विथ हिम वेरी गुड व्हाई आर यू बेंट ऑन फाइटिंग विथ अच्छा वो हिम भी हो सकती है हर भी हो सकती हिम भी हो सकता है हर भी हो सकती है ठीक है हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकती है अकॉर्डिंगली आप अपना वर्ड चूज कर लेंगे व्हाई आर यू बेंट ऑन फाइटिंग विद हिम शाबाश आ गया आगे गया सबको ये स्ट्रक्चर कहने की जरूरत पड़ती है नहीं ये अपने डेली लाइफ में शाबाश बचो एक और ट्राई करो तुम वहां तुम वहां जाने पर क्यों उतारू हो आप कभी कभी एकदम ठान लेते हो ना कि मुझे तो खड़कवासला जाना ही है मुझे तो बेलगाम जाना ही है ठीक है मुझे तो चिल्का जाना ही है मुझे तो मुंबई जाना ही है मुझे तो दिल्ली जाना ही है ठीक है तो कोई जगह एक होती है जहां पे तुमने एकदम बिल्कुल जिद पकड़ लिए कि यहां तो बस जाना ही है सो तुम वहां जाने पर क्यों उतारू हो अगर ये सेंटेंस आपको कहना हो तो कैसे कहेंगे Why are you bent जाना जाने के लिए वर्ड क्या आएगा going शाबाश Why are you वहां मैंने बताया है तो वहां के लिए आपने वर्ड यूज कर लिया देर Why are you bent on going there very good बहुत बढ़िया Why are you bent on going there शाबाश बच्चों आर आई सेंटेंस बनाना आ राइट सेंटेंस बनाना गुड बहुत बढ़िया बोलना भी है साथ-साथ इसकी ईमानदारी आपको निभानी है मैं लगातार आप लोगों को याद कर रही हूं याद करा रही हूं ठीक है सो व्हाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर व्हाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर वहां पर जाने के लिए क्यों तुले हुए हो हु? क्यों जिद पकड़ ली है शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया अगला सेंटेंस एक और ट्राई करो एक और ट्राई करो तुम मेरी ही सीट पर बैठने को क्यों उतारू हो देखो थोड़ा सा इस सेंटेंस को बड़ा बना दिया गया अब है ना तुम यहां तक ठीक है यहां तक तुम मेरी ही सीट पर बैठने को आपका ध्यान होना चाहिए वर्ब पे बैठना ठीक है क्यों उतारू हो तुम इसके लिए तो आपके पास स्ट्रक्चर है चलो फटाफट से इसका सेंटेंस बना दो इसका सेंटेंस देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है क्विकली फटाफट ई आर यू बेंट ऑन गोइंग देर शाबाश बहुत अच्छे मुझे प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं चलो बताओ बताओ जल्दी जल्दी वाई आर यू तुम मेरे ही सीट पर बैठने को क्यों उतारू हो तुम मेरी ही सीट पर बैठने को क्यों उतारू हो वाई आर यू बेंट ऑन सिटिंग ऑन माई सीट वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बताओ आ गया कि नहीं सेंटेंस आ गया ना गुड बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड आ गया वाई आर यू बेंट ऑन सिटिंग ऑन माई सीट चलो बहुत बढ़िया ठीक है देख लो ये स्ट्रक्चर ये मैंने आंसर तो पहले ही बना रखा है लेकिन सेंटेंस तुम पूरा पूरा सही बना रहे हो ठीक है बोल के भी देखेंगे मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे ठीक है चलो अच्छा बच्चों एक बात याद रखना वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वर्ब फॉर्म्स कुछ चीजें ग्रामर की इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन सीखने वाले बच्चों के लिए जिन भी बच्चों को स्पोकन सीखना है उनके लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एक तो है वर्ब फॉर्म्स दूसरा है टेंसेस एक तो है वर्ब फॉर्म दूसरा है टेंसेस ठीक है तीसरा वोबलरी पढ़ते रहो बाकी छोटी मोटी गलतियां तुम कर भी दोगे ना तो स्पोकन में ज्यादा कोई नोटिस नहीं करता है लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वी वन वी टू और वी थ्री ठीक है वर्ब फॉर्म्स तीन होते हैं ये आपको पता है राइट जैसे ड्रॉ draw, ड्रॉन बिल्कुल इसी तरह से यहां पे वर्ब फॉर्म्स है आपके पास बिकम बिकेम बिकम ध्यान देना कि इसका वी वन और वी थ्री सेम है ठीक है ठीके? दूसरा देखो बिगिन मतलब शुरू करना बिगन ठीक है है इसका V2 फॉर्म एंड ध्यान देंगे इस पे क्योंकि ये आप लोगों को रिटर्न एग्जाम्स की अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये आप लोगों के स्पोकन के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ठीक है सो कम came, कम देखो ये भी वर्ड ऐसा है जिसका v3 बिल्कुल सेम है v3 बिल्कुल सेम है ठीक है चलो डू डिडन डू डिड यू है ये दोनों शब्द देखेंगे बच्चों फॉल का मतलब होता है गिरना ठीक है फॉल का मतलब होता है गिरना सो फॉल फेल फॉलन लेकिन फील का मतलब होता है महसूस करना फील का मतलब होता है महसूस करना ठीक है महसूस करना इसका V2 और V3 क्या है फेल्ट ठीक है आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है आई फेल्ट गुड मुझे अच्छा लगा ठीक है सो फेल्ट फील फेल्ट फेल्ट ध्यान देंगे इस पर राइट रोट रिटर्न राइट रोड रिटन इस पर थोड़ा सा आपको काम करना है इसी तरह के और कुछ वर्ब्स हैं जो मैं आगे आने वाले सेशन में आप लोगों से करवा दूंगी अब ये जरूरी क्यों है अब ये जरूरी क्यों है आइए चलिए देखते हैं कुछ और भी वर्ब्स हैं ड्राइव ड्रोव ड्रिविन ठीक है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ठीक है ईट एट ईटन ठीक है ये सब आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों ठीक है इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये सब कुछ यहां पे आप जैसे है वैसा आप, आपके पास अवेलेबल होगा अब ये जरूरी क्यों है आइए चलिए देखते हैं जब मैंने कहा भीड़ को तितर बितर कर दिया गया मतलब अपने आप नहीं हुआ उसको किया गया भीड़ को तितर तितर बितर तितर बितर मतलब बिखरा दिया गया है ना भीड़ जैसे कई कही बार कहीं पे भी उधर तो कर, कर देना अब भीड़ को तितर बितर कर दिया गया आप बोलेंगे कि तितर बितर को क्या कहते हैं यही तो सोचने वाली बात है यहाँ पे आ गया तुम्हारा वोकैबलरी यहाँ पे आ गया तुम्हारा वोकैबलरी ठीक है अब दूसरी बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं कर दिया गया इस पर फोकस करो बच्चों कर दिया गया ठीक है यहां पे क्योंकि गया मतलब ये पास्ट है ठीक है है पास्ट मतलब यहां पे आपको या या वर वर लिखना लिखना है 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 ठीक और कर दिया गया अपने आप नहीं हुआ ठीक है तो इसलिए यहां पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म अब इसको प्रैक्टिस करते हैं हम ठीक है अच्छा अब ये भीड़ है मतलब गुस्साई हुई भीड़ होगी तो क्या हम भीड़ के लिए शब्द मॉब यूज कर ले क्या भीड़ के लिए हम शब्द क्राउड भी यूज कर सकते हैं मॉब भी यूज कर सकते हैं वेरी गुड डिसरप्टेड वर्ड नहीं होगा डिस्पर्स होगा डिस्पर्स मतलब फैला देना द मॉब 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 और और क्राउड क्राउड ठीक है हम यहां पे मॉब वर्ड यूज करेंगे क्यों यूजली यहां पे वर्ड मॉब यूज करेंगे क्योंकि जब लोग गुस्साते हैं तभी ही आंदोलन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और गुस्साई हुई भीड़ के लिए शब्द है मॉब सो द मॉब वॉज डिस्पर्स वर्स के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्पर्स मतलब फैला देना ठीक है द मॉब और द क्राउड वॉज डिस्पर्स शाबाश बहुत अच्छे द क्राउड हैज बीन स्कैटर्ड आउट नहीं द क्राउड वॉज डिस्पर्स यहां पे देखो गया मतलब पास्ट है ठीक ठीक है 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 तो आपको यहाँ पे पे के बाद का वी लिखना है, अगर यहाँ पे गया है होता तब आप इज लिखते तब आप में आ जाते अब आपको प्रैक्टिस करना है रेडी फॉर द प्रैक्टिस फटाफट से मुझे sentences बताते जाओ खाना पका दिया गया है है नहीं है ठीक है हम पास्ट की बात कर रहे हैं एक टेंस में हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे खाना पका दिया गया खाना पका दिया गया फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी 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 ताबड़तोड़ आंसर रुक क्यों गए हैं खाना पका दिया गया साथ साथ बताएंगे साथ साथ बोलेंगे यस वेरी गुड सेंटेंस क्या है द फूड शाबाश द फूड वॉज बढ़िया अगला सेंटेंस अगला सेंटेंस आप लोगों के सामने चिट्ठी लिख दी गई चिट्ठी लिख दी गई बताओ इसका इंग्लिश कैसे लिखोगे या कैसे बोलोगे अगर आपको यह बोलना है कि चिट्ठी लिख दी गई हो गया यह काम कर दिया गया बताओ कैसे लिखेंगे यस वेरी गुड शाबाश द फूड वॉज कुक्ड बेटा खाना बनाने के लिए शब्द यूज होता है कुक ठीक है द फूड वॉज कुक्ड वेरी गुड बहुत बढ़िया चिट्ठी लिख दी गई द लेटर वॉज रिटर्न याद रखना रोट नहीं यहां पे वर्ब का वी थ्री फॉर्म आएगा इसके बाद में ठीक है दिया गया जब भी दिया गया आएगा तो यहां पे वॉज वर् थ्री आएगा शाबाश सो द लेटर वॉज रिटर्न बहुत बढ़िया द लेटर वॉज रिटर्न पैसे भेज दिए गए जैसे आप जब घर से बाहर रहते हैं पढ़ाई करते हैं है, है ना तो पापा पैसे भेजते हैं ठीक है ठीके? पापा पैसे भेजते हैं तो जिस दिन पैसे भेजने वाला दिन होगा पापा घर पे आते हैं तो मम्मी पूछती है तुमने बेटे को पैसे भेज दिए बेटी को बच्चे को पैसे भेज दिए तो पापा बोलते हैं हाँ पैसे भेज दिए गए पैसे भेज दिए गए बताओ आंसर क्या आएगा कैसे बोलोगे इसको यस पैसे द मनी वर्ब क्या है वर्ब क्या है सेंड इसका v3 फॉर्म सेंट वेरी गुड द मनी वॉज सेंट साथ साथ बोलो मेरे साथ साथ बोलो ठीक है द मनी वॉज सेंट ठीक है चलो अच्छा अब मुझे बताओ उसे बुला लिया गया ठीक है जैसे ही कोविड फैलने लगा तो आपके घर वालों ने क्या किया तुरंत तो आपको घर पे बुला लिया है ना घर पे बुला लिया गया आपको आप नहीं जाना चाहते थे आप सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे रह के पढ़ना चाहता हूँ लेकिन घर वालों की चिंता तो अलग ही होती है घर वाले बोलेंगे बेटा तू बाद में पढ़ लेना थोड़ी देर लेट सही पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है हमें हमारा बच्चा प्यारा है हमें हमारी बेटी प्यारी है बेटा प्यारा है आ जाओ ठीक है तो तुम्हें बुला लिया गया कैसे लिखोगे यस वेरी गुड मनी वुल सेंट शाबाश बहुत अच्छे बोलते जाएंगे बोल रहे हो कि नहीं साथ साथ बोल रहे हो कि नहीं बोलते जाओ उसे बुला लिया गया क्या बोलोगे बुला लिया कॉल ठीक है भेजा सेंड बुला लिया कॉल ही वॉज कॉल्ड सिंपल उसे बुला लिया गया ही वॉज कॉल्ड ओके बहुत बढ़िया अच्छा अब पढ़ाई तो तुमने जम के की है पढ़ाई तुमने जम के की है स्पोकन का भी 21 डे चैलेंज में बढ़िया से रेगुलरली तुमने क्लास लिया है अब इससे क्या है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है जीडी में तुम अच्छा बोलोगे है ना अब थोड़ी सी एसआरटी की तैयारी करनी है थोड़ी सी फिजिकल की तैयारी करनी है जी में बोलोगे भी बहुत बढ़िया है ना तो उसका चयन कर लिया गया सिलेक्शन हो जाएगा है ना उसका चयन कर लिया गया बताओ कैसे कहोगे अगर आपको कहना है कि मेरा चलो ठीक है उसका की जगह आप मेरा लिखो ठीक है आप खुद के लिए लिखो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप क्या कहोगे मेरा चयन कर लिया गया कैसे लिखोगे बताओ मेरा चयन कर लिया गया कैसे लिखोगे यस वेरी गुड ही वॉज सिलेक्टेड आई वॉज सिलेक्टेड शाबाश क्या लिखोगे ही वॉज सिलेक्टेड आई वॉज सिलेक्टेड ठीक है आई वॉज सिलेक्टेड शाबाश बहुत बढ़िया चलो बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं धुआं छोड़कर हॉस्पिटल वार्ड को कीटाणु मुक्त कर दिया गया यहां पे फोकस करो अगर ये देख लिया मतलब तुम्हें सेंटेंस बनाने आना चाहिए ठीक है तुम्हें सेंटेंस बनाने आना चाहिए अब बस बात ये है कि इतनी इस चीज के लिए अगर तुम्हारे पास वोकैबलरी होगी इस चीज के लिए वोकैबलरी होगी तब मजा ही आ जाएगा अभी देखो कैसे मजा आएगा हमने कहा धुआं छोड़कर हॉस्पिटल वार्ड को कीटाणु मुक्त कर दिया गया ठीक है धुआं छोड़कर आपको पता है ना आपके एरिया में आसपास धुआं छोड़ने वाले आते होंगे है ना सो धुआं छोड़ते हैं जिससे कि मच्छर वच्छर कीटाणु मर जाएं राइट सो हॉस्पिटल वार्ड को धुआं छोड़कर कीटाणु मुक्त कर दिया गया अब ये कर दिया गया देखते ही तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको तो इंग्लिश में कैसे बोलना है बस कमी कहां रह गई इसकी वोकैबुलरी के लिए कहां कमी रह गई इसकी वोकैबुलरी के लिए शाबाश बहुत अच्छे द हॉस्पिटल वार्ड वॉर्ड सैनिटाइज ओके गोविंद रोहिला सैनिटाइज का मतलब क्या होता है बच्चों सैनिटाइज सैनिटाइज का मतलब आप स्प्रे करके करते हो पे धुआं छोड़ के ठीक है कुछ लिक्विड स्प्रे करके जब आप जैसे आप जैसे लोगों को पता है आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हो है ना तो आप धुआं थोड़ी ना छोड़ते हो हाथ पे आप क्या करते हो स्प्रे करते हो लिक्विड को ठीक है सो लिक्विड स्प्रे करके कीटाणुओं को मारने के लिए सैनिटाइज कहते हैं ठीक है लेकिन धुआं छोड़कर कीटाणुओं को मारने के लिए कहते हैं फ्यूमिगेट उसके लिए वर्ड है फ्यूमिगेट ठीक है उसके लिए क्या वर्ड है बच्चों का जादू धुआं छोड़कर जब हम कीटाणुओं को नष्ट करते हैं कहीं पर तो उसके लिए एक्शन है फ्यूमिगेटेड उसके लिए बच्चों एक्शन है फ्यूमिगेटेड इज दट लेर एवरी वन बहुत बढ़िया शानदार चलो ठीक है अब अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारा तुम्हें पछताना पड़ेगा अब जानबूझ के कोई पछताता है क्या नहीं ना ये तो कंपल्शन है ठीक है तुम्हें पछताना पड़ेगा इसका तो तुम्हें हिसाब पूरा करना पड़ेगा ठीक है चलो चलो बताओ इसको कैसे कहोगे चलो एक सेंटेंस मैं कह रही हूं उसके बाद सारे सेंटेंसेस आप कहेंगे ठीक है तुम्हें पछताना पड़ेगा तुम्हें पछताना पड़ेगा भविष्य में पछताओगे है ना अभी की तो बात है नहीं तो हमने कहा यू विल अब पड़ेगा मतलब कंपल्शन है तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा तुम्हें पछताना ही पड़ेगा जो कर दिया है उसके लिए सो यू विल हैव टू पछताने के लिए वर्ड है रिपेंट रिग्रेट ठीक है रिपेंट भी कह सकते हैं रिग्रेट भी कह सकते हैं यू विल हैव टू रिपेंट तुम्हें पछताना पड़ेगा ठीक है चलो बच्चों ये बताओ खाना बनाना पड़ेगा बताओ इसको कैसे बताओगे बोलो इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे घर पे पहुंचोगे और घर पे पहुंच के तुम अपनी छोटी बहन को तंग करते हो ना बड़ी बहन को मत बोलना नहीं तो थप्पड़ लगा देगी वो ठीक है छोटी बहन को तंग करते हो बेटा खाना बनाना पड़ेगा चल तेरा भाई आ गया है ना सो so, खाना बनाना पड़ेगा कैसे बोलोगे यू विल हैव टू ओके कैसे बताओगे यू विल हैव टू खाना बनाना पड़ेगा वेरी गुड यू विल हैव टू टू के बाद में जो भी खाना बनाना जो भी वर्ड होगा वो V1 फॉर्म में आएगा देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये V1, V2, V3 टू वी थ्री फॉर्म जानना ठीक है जो भी बच्चे अपना स्पोकन सुधारना चाहते हैं तीन चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक है वर्ब फॉर्म्स एक है टेंसेस को जानना ठीक है टेंसेस को जानना और तीसरा है वो कैबलरी बाकी स्ट्रक्चर मैं यहां पे करवा दूंगी आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स हम कर लेंगे ठीक है चलो सो यू विल हैव टू कुक द फूड शाबाश यू विल हैव टू टू के बाद में देखो मैं देख रही हूं सचिन शर्मा गड़बड़ कर रहे हैं यू विल हैव टू कुक टू के बाद में बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यू विल द फूड ठीक है चलो अगला सेंटेंस चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी ठीक है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कहीं पोस्टिंग आएगी ठीक है हालांकि अब चिट्ठी कौन लिखता है बट खैर अगर मान लो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो तुम्हारी घरवाली तुम्हें बोलेगी चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी बिना चिट्ठी लिखे नहीं बच पाओगे है ना सो so जब तुम्हारी पोस्टिंग हो गई खासकर हमारे फौज में जाने वाले सभी भाई हैं ठीक है इस चीज को फील कर सकते हैं फील करके चलो फटाफट बताओ कि तुम्हारी घरवाली इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगी चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कैसे बोलेंगे यस वेरी गुड कैसे बोलेंगे यू विल हैव टू लिखना टू की बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू विल हैव टू राइट द लेटर यू विल हैव टू राइट द लेटर शाबाश बहुत अच्छे चलो अगला एक सेंटेंस और बना दो पैसे भेजने पड़ेंगे पैसे भेजने पड़ेंगे ठीक है अब पैसे भेजने पड़ेंगे इसको कैसे बोलोगे बताओ एक्शन क्या है भेजना इसको वी वन फॉर्म में ही लिखना है और पड़ेगा ऑप्शन नहीं है कंपल्शन है पड़ेगा ऑप्शन नहीं है कंपल्शन है बताओ बच्चों कैसे बोलोगे यू विल यू विल हैव टू सेंड द मनी पैसे तो भेजने पड़ेंगे यू विल हैव टू सेंड द मनी वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलो लास्ट सेंटेंस एक बता दो उसे बुलाना पड़ेगा ठीक है दरवाजा तोड़ना है तो उसे तो बुलाना पड़ेगा बताओ कैसे लिखोगे बताओ कैसे लिखोगे उसे बुलाना पड़ेगा बुलाना मतलब कॉल उसे बुलाना पड़ेगा यू विल हैव टू शाबाश बोलते जाओ साथ साथ बोल रहे हो कि नहीं यू यू विल विल हैव हैव टू टू कॉल कॉल हिम उसे बुलाना पड़ेगा हिम ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है चलो उसका चयन करना पड़ेगा एक फाइनल सेंटेंस इसके प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली फाइनल नहीं सेकेंड लास्ट है ये है ना एक बात मुझे बताओ अगर तुम मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तो तुम्हारा होना है ठीक है तो लोग क्या बोलेंगे अगर तुम्हारे नंबर अच्छे हैं तो लोग चाहे अंदर कितने भी भ्रष्ट बैठे बैठे हो वो बोलेंगे इस लड़के का तो नंबर इतना अच्छा है इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा उसका चयन करना पड़ेगा कैसे बोलोगे इसे बताओ फटाफट बताओ कैसे बोलोगे यस यू विल हैव टू सिलेक्ट हिम उसका चयन करना पड़ेगा यू विल हैव टू लेक्ट हिम वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत बढ़िया उसकी मदद करनी पड़ेगी इस structure के लिए, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी ऑप्शन नहीं है जब तुमको जरूरत तो अब तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी बताओ कैसे लिखोगे तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी ये वाला स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे बच्चो ये वेरी गुड यू विल हैव टू हेल्प हिम शाबाश बहुत अच्छे यू विल है मुझे इस नदी को पार करने का एक और स्ट्रक्चर आ गया है आप लोगों का ठीक है एक और स्ट्रक्चर मुझे इस नदी को पार करने का साहस नहीं है ठीक है ध्यान कहा देंगे साहस नहीं है किस एक्शन का साहस नहीं है इस नदी को पार करने का ठीक है इस नदी को पार करने का ठीक है चलो अब बताओ इसको कैसे लिखोगे मुझ में इस नदी को पार करने का साहस नहीं है या मैं इस नदी को पार करने की जरूरत नहीं करूंगा ठीक है मैं इस नदी को पार करने की जरूरत नहीं करूंगा ठीक है चलो अब आई डू नॉट हैव द करज एक तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है करेज यानी कि साहस आई डू नॉट है करेज

वर्ब क्या है पार करना वर्ब क्या है पार करना और इसको आप सीधा सीधा V1 में लिखेंगे I dare not cross this river. मैं इस नदी को पार करने की जरूरत नहीं करूंगा या नहीं कर सकता ठीक है I dare not cross this river. I dare not. I have no dare to cross this river. नहीं नहीं I dare not cross this river. साथ में मेरे बोलो इसका मतलब यह है कि मैं इस नदी को पार करने की जरूरत नहीं करूंगा पागल हूं क्या नदी इतनी ज्यादा तेज लहर में बह रही है इस नदी को इस वक्त पार करना मतलब आत्महत्या करने से कम नहीं है ठीक है

मुझ में पिंकी से बात करने का साहस नहीं है मेरा दिमाग खराब है राइट चलो फटाफट बताओ चलो जल्दी 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 फटाफट बताओ मैं पिंकी से बात करने की जरूरत नहीं करूंगा मेरा दिमाग खराब नहीं है आई डेर नॉट देखो साहस नहीं है मुझ में इतना तो हमने देख लिया आई डेर नॉट ठीक है क्या करने का पिंकी से बात करने का आई डेयर नॉट चलो फटाफट देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर आता है जल्दी 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 साथ साथ बोल रहे हो कि नहीं साथ साथ बोल रहे हो कि नहीं आई डेर नॉट आई डेर नॉट टॉक टू पिंकी वेरी गुड तमन्ना तमन्ना वेरी गुड बहुत अच्छे सबसे पहला आंसर आई डेर नॉट टॉक टू पिंकी ठीक है आई डेर नॉट टॉक टू पिंकी शाबाश बहुत अच्छे ये सेंटेंस बताओ मुझमें पिताजी के सामने आवाज उठाने की क्या आवाज़ उठाने का साहस नहीं है ठीक है देखो इतना इतने पे फोकस करो बच्चों खाली इतने पे फोकस करो मुझ में साहस नहीं है इसके लिए आपके पास है आई डेयर नॉट आई डेयर नॉट अब क्या करने का साहस पिताजी के सामने आवाज उठाने का पिताजी के सामने आवाज उठाने का इसको लिख के दिखाओ इसको बना के दिखाओ और पहली बार में ही इंग्लिश पढ़ना सॉरी uh, हिंदी पढ़ना और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की सीधा सेंटेंस पढ़ के सीधा इंग्लिश सेंटेंस बनाने की कोशिश करो ठीक है ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो बताओ आई डेर नॉट आवाज उठाना आवाज उठाने के लिए हम कहते हैं रेज माई वॉइस ठीक है रेज रेज मतलब उठाना ठीक है क्या उठाने की बात कर रहे हैं हम आवाज ठीक है पिताजी के सामने के सामने के लिए हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ चलो बताओ सेंटेंस बनाओ सेंटेंस बनाओ क्विकली क्विकली आई डेयर नॉट रेज वॉइस बाय माय फादर नहीं गोविंद गलत हो गया है फिर से भाई ठीक है मुझ में पिताजी के सामने के सामने इन फ्रंट ऑफ आई डेर नॉट रेज माय वॉइस इन फ्रंट ऑफ माय फादर ठीक है आई डेर नॉट रेज माय वॉइस इन फ्रंट ऑफ माई फादर कितने बच्चों का सही हुआ फटाफट फड़ बताओ कितने बच्चों का सही हुआ आई डेयर नॉट रेज my वॉइस इन फ्रंट ऑफ my फादर शाबाश बहुत अच्छे और ये ये करने की जरूरत करना भी नहीं चाहिए उस इंसान के सामने जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है आपको बनाने में ठीक है वो अपनी सभी इच्छाएं पीछे रख देता है आपको बनाने बनाने में तो तो बिल्कुल इसकी करनी भी नहीं चाहिए आई नॉट रेज वॉइस इन फ्रंट ऑफ फादर शबाश बहुत अच्छे एक सेंटेंस और कर ले बच्चों इसी के ऊपर एक सेंटेंस और और बोलना है आपको बोलना है देखो हम छोटे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा डेली लाइफ में बड़े सेंटेंस की ओर हम बढ़ते रहेंगे ठीक है चलो एक सेंटेंस और बोलो मुझ में किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की ठीक है ये अब यहां पे जरूरत की ही बात करूंगी क्योंकि इसमें कोई साहस वाली बात नहीं होती है ठीक है so, सो मुझ में अब ये यह, यहां पे जो भी चीज है ये बीच वाली चीज को आपको अरेंज करना है ठीक है इसके लिए आपको बताना है कि क्या आप लिख सकते हैं मुझ में जरूरत नहीं है इसके लिए तो आपको आपके पास स्ट्रक्चर है आई डेयर नॉट आपके पास एक स्ट्रक्चर है आई डेयर नॉट ठीक है आई डेयर नॉट स्पीक लाउडली इन फ्रंट ऑफ माई फादर भी बिल्कुल सही है शिवम तोमर बिल्कुल सही है ठीक है आई डेर नॉट स्पीक लाउडली तेज आवाज में बोलना या रेज माई वॉइस आवाज उठाना ठीक है चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बच्चों चलो ये बता दो मुझे किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की अब बदतमीजी करना मतलब मिसबिहेव ठीक है मिसबिहेव किसी भी लड़की से एनी गर्ल किसी भी मतलब एनी लड़की मतलब गर्ल ठीक है चलो अब बताओ इसका सही से बता दो क्विकली फटाफट फड़, इसका सही से बता दो मुझ में किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है ये मैं नहीं कर सकता ठीक है कहते हैं ना कि यह जरूरत मैं नहीं कर सकता जिसकी परवरिश अच्छी होती है है ना जिसकी परवरिश अच्छी होती है वो ये काम नहीं कर सकता कभी आई डेर डेर नॉट डू नॉन नहीं मिसबिहेव आई dare नॉट बदतमीजी करना मतलब मिसबिहेव शाबाश बहुत अच्छे आगे बच्चों आगे ये सेंटेंस बनाना आई dare नॉट आई dare नॉट misbehave विथ एनी गर्ल किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है आई dare नॉट misbehave विथ एनी गर्ल क्लियर एवरी वन चलो फटाफट फड़ से एक बार थम्स अप दे दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है अगर लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम लोग 30 मिनट्स 40 मिनट्स हाफ एन आवर जितना भी मेरे पास टाइम रहा करेगा मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस करवा दिया करूंगी ठीक है सो so ये प्रैक्टिस करके और आज हमारा छठवां सेशन है आज अभी तक हमारी सिक्स्थ क्लास है 21 क्लासेस होनी है ठीक ट्वेंटी वन क्लासेज अभी आपके पूरे के पूरे के क्लास क्लास बाकी है अगर आप लोगों को इस क्लास में भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो अपने आसपास एक माहौल बनाओ जहां पे आप प्रैक्टिस कर सको ठीक है और यहाँ पे जो भी मेहनत की जा रही है यहाँ पे जो मेहनत की जा रही है उसका परिणाम आपको अपने पास अपने अंदर महसूस हो ठीक है चलो बच्चों चुटकी भर नमक डाल दो चुटकी भर तो सुनते ही याद आ जाते हैं रमेश बाबू चलो मुझे यह बताओ चुटकी भर नमक डाल दो ठीक है अब रमेश बाबू वाला डायलॉग तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू ये कहने की तो कहीं जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन चुटकी भर नमक हम जरूर अपने डेली लाइफ में मांगते हैं है ना हम कहते हैं यार थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दो राइट चलो बताओ इसको कैसे कहोगे इसको कैसे कहोगे अगर आपको ये बात इंग्लिश में कहना पड़ा तो सारे बच्चों फटाफट से मुझे बताएंगे अच्छा आपको ये क्लासेस लेके अगर हेल्पफुल लग रहा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अभी नहीं क्लास के बाद क्योंकि अभी वाले कमेंट्स बहुत तेजी से आते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ठीक है चलो मुझे यह बताओ आई डोंट नीड टू मिसबिहेव आदर्श ये गलत हो जाएगा इसका मतलब यह कि मुझे किसी से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तो क्या बदतमीजी करने की जरूरत होती है किसी को यहाँ पे नीड वाला वर्ड बहुत गलत हो जाएगा इसीलिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है ठीक है इसीलिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है कि किसी की जरूरत नहीं होती है किसी लड़की से बदतमीजी करने की ठीक है ये जरूरत करते हैं बदतमीज लोग ऑल राइट right? चलो चलो बच्चों फटाफट से फटाफट से अ पिंच ऑफ वेरी गुड चुटकी भर के लिए हम कहते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट ठीक है पिंच ऑफ सॉल्ट सो पिंच ऑफ सॉल्ट और एड एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट चुटकी चुटकी भर नमक डाल दो ठीक है क्या कहोगे लिटिल सॉल्ट तो हो गया थोड़ा नमक तो वो पता चला थोड़ा नमक लेके आएगी और डाल देगी ठीक है तुमने तो बोला था थोड़ा ठीक है तुमने बोला था थोड़ा वो थोड़ा सा नमक लेके आएगी और डाल देगी ठीक है तो आपको क्या कहना है ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको क्या क्या कहना है ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ठीक है चलो सच से मत हटो मना करने वाली जो भी बात होती है हम कैसे कहते हैं जब भी आपको किसी चीज के लिए मना करना होता है पुट के बदले हम एड वर्ड यूज करेंगे मुकेश कुमार छाजड़ा पुट के बदले एड वर्ड यूज करेंगे ठीक है देखो जितना भी तुमने आ, वो, आ, ये क्या बोलते हैं खाना बनाने वाला वीडियो देखा होगा इंस्ट्रक्शन देखा होगा वहां पे बोलते हैं एड अ लिटिल ऑयल एड सॉल्ट स्वाद अनुसार नमक डालो ठीक है एड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट राइट सो एड कहते हैं हम वहां पुट नहीं ठीक ठीक है है चलो सच से मत हटो ठीके? अब हम कहना चाहते हैं मत हटो मना करने वाला जो भी है हमें पता है हम कहां से स्टार्ट करेंगे कौन से वर्ड से स्टार्ट करेंगे अगर किसी को मना किया जा रहा है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है डोंट से स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों डोंट से ठीक है देखो डोंट अब हटने की बात हो रही है सच से डाइवर्ज डाइवर्ज मतलब अलग अलग रास्ता अलग कर देना उसको हम कहते हैं डाइवर्ज ठीक है जैसे एक रास्ते पे आ रहे हैं फिर रास्ता अलग हो गया उसको कहते हैं डाइवर्ज ठीक है सच से अब ये सच वाला रास्ता है ठीक है किसी को लग रहा है कि नहीं भाई सच पे इतना नहीं चल सकता सच के रास्ते पे तो वो अलग हो जाएगा सो so, सच से मत हटो डोंट डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रूथ डोंट डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रूथ ओके ठीक है डोंट यहाँ पे आपको बस मना करने वाली जो बात है हमें उसको कैसे बोलना है वो देखना है ठीक है क्रोधित मत हो क्रोधित मतलब गुस्सा मत हो किसी को कह रहे हो मत हो वाला सेंटेंस कैसे कहोगे मत हो वाला सेंटेंस ठीक है कैसे कहोगे वीडियो के लास्ट में बहुत ही कमाल के कुछ सेंटेंसेस है वेट करेंगे डोंट बी फ्यूरियस वेरी गुड डोंट बी फ्यूरियस ठीक है उसकी मत पूछो यार उसके बारे में बात मत करो मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है कैसे कहोगे बच्चों डोंट गो अवे फ्रॉम द ट्रूथ गो अवे का तो मतलब दूर मत जाओ ठीक है वो तो कोई पर्सन होगा उसको आप कहते हो अवे ठीक है कि आ, किसी पर्सन से दूर मत जाओ उसकी मत पूछो ठीक है तो हम क्या कहेंगे डोंट आस्क अबाउट हिम उसकी मत पूछो डोंट आस्क अबाउट हिम ठीक है पूछना मतलब आस्क किसके बारे में उसके बारे में सो so, उसके बारे में तो मत पूछो यार मैं तो तंगा गया हूं है ना चलो अच्छा अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों से कराया है प्रीवियस क्लासेस आपने कितने ध्यान से किया है कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए ये क्वेश्चन है तुम्हें याद है ना तुम्हें याद है ना ये वाला जो सेंटेंस है लास्ट में ना आता है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन टैग लगाते हैं डोंट बी एंगर नहीं बच्चो डोंट बी एंग्री क्रोधित ठीक है डोंट आस्क हिम का तो मतलब मंजीत डोंट आस्क हिम का मतलब है उससे मत पूछो हम उससे पूछने की बात नहीं कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि उसके बारे में मत पूछो ठीक है उसके बारे में मत पूछो ठीक है चलो बच्चों ये बताओ तुम्हें याद है ना ना वाला क्या है क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम है ना सो so, तुम्हें याद है यू रिमेंबर और लास्ट में ना कैसे बोलोगे यू रिमेंबर डोंट यू यू रिमेंबर डोंट यू ठीक है सो यू रिमेंबर डोंट यू जब भी आपको ये वाला पूछना होता है तुम्हें याद है ना अगर तुम्हें पूछना है क्या तुम्हें याद है अगर तुम्हें पूछना है क्या तुम्हें याद है चलो बताओ इसको क्या कहोगे क्या तुम्हें याद है गाना मत गाने लगना ठीक है क्या तुम्हें याद है तो इसका क्वेश्चन इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे आप ठीक है ट्रांसलेट करना क्या इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे सीधा सीधा आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप कहेंगे डू यू रिमेंबर डू You remember इसको कैसे कहोगे इसको सीधा सीधा आप कहेंगे डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद है लेकिन अगर तुमने कहा तुम्हें याद है ना तो आप कैसे कहोगे यू रिमेंबर डोंट यू यू रिमेंबर डोंट यू यहां पे आपका क्वेश्चन टाइगा जाएगा वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया याद आ गया सारे बच्चों को जितने बच्चों को याद है फटाफट से थम्स अप जितने बच्चों को ये याद है फर्क थम्स अप क्विकली फटाफट से और अब यहां पे आ गए तुम्हारे लिए आज के सेशन का अंत यहाँ पर है और एक सुहाना सफर सुहानी बातों के साथ में अंत करते हैं ठीक है टू माई लाइफ ठीक है ये सेंटेंसेस है कुछ याद कर लो तुम्हें बहुत काम आएंगी ठीक है सो यू ब्रिंग जॉय जॉय का मतलब क्या है खुशियां तुम्हारे आने से मेरे लाइफ में बहुत खुशियां आती है ठीक है तुम्हारे आने से मेरे लाइफ में बहुत खुशियाँ आती है कैसे कहोगे यू ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में बहुत खुशियां आती है यू ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ ठीक है आई मिस योर लाफ अगर आप किसी की हंसी को मिस करते हैं तो आप क्या कहेंगे आई मिस योर लाफ आई मिस योर लाफ ठीक है अच्छा आई अडोर यू अगर आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं बहुत पूजते हैं ठीक है तो आप कह सकते हैं आई अडोर यू एक तो होता है आई लव यू और दूसरा होता है आई अडोर यू मतलब आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं आप उसको पूजते हैं लिटरली आप उसके फैन हैं तो आप कहेंगे आई अडोर यू ठीक है अब ये तो थोड़ी सिंपल सिंपल सी बातें थी ठीक है अगर आपको कहना है तुम तो मेरी सब कुछ हो या तुम तो मेरे सब कुछ हो तो आप कैसे कहोगे योर एवरीथिंग टू मी मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो ठीक है योर एवरीथिंग टू मी यू ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ योर एवरीथिंग टू मी भाई ये मम्मी पापा को या भाई बहन को भी आप कह सकते हो ठीक है चलो यो द लाइट ऑफ माई लाइफ तुम ही मेरे तुम ही मेरे जीवन की रोशनी हो है ना सो यो द लाइट ऑफ माई लाइफ तुम ही मेरे जीवन की रोशनी हो आज सारे बच्चे जाके अपनी मम्मी को यह बात बोल के आएंगे ठीक है यो द लाइट ऑफ माई लाइफ और इंग्लिश में बोलना ठीक है इंग्लिश में बोलना भले मम्मी को समझ नहीं आएगा फिर मम्मी बोलेगी क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है ठीक है फिर बोलना उसको हिंदी में बता देना लेकिन बोलना इंग्लिश में है ठीक है बोलना इंग्लिश में है योर द लाइट ऑफ माई लाइफ योर द लाइट ऑफ माई लाइफ ठीक है आई एम हेड ओवर हील्स हेड ओवर हील्स का मतलब होता है प्यार में बिल्कुल पागल हो जाना ठीक है बिल्कुल किसी प्यार में या किसी के लिए बिल्कुल घायल हो जाना जो हम को कहते हैं ना नतमस्तक हो जाना उसी को कहते हैं हेड ओवर हील्स आई एम हेड ओवर हील्स याद रखना फॉर यू आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू ठीक है आई एम हेड ओवर हीस आई वॉन्ट मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट अम मुझे तुम्हारे साथ एक पूरी जिंदगी चाहिए अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक पूरी जिंदगी चाहिए ये वही कहने का तरीका है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ, साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ वो कहने के बदले एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा दूसरा तरीका है ठीक है मुझे तुम्हारे साथ एक पूरी जिंदगी एक पूरी जिंदगी को हम कहते हैं अ लाइफ टाइम ठीक है सो आई वांट अ लाइफ टाइम विद यू इज दैट क्लियर एवरीवन ठीक है चलो ये तो प्यारी-प्यारी सी बातें हो गई ठीक है और अगर कोई तुम्हारा खजाना हो तो आप उसको कह देना कि तुम ही मेरे खजाने हो तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती होगी ठीक है तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरी शौहरत है दौलत है राइट सो यू आर माय ट्रेजर ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. You are my treasure. ये बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हैं. ठीक है ठेके? इनको ऐसे ही जिसके लिए भी जो आपको फील हो इनका हिंदी मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश यहां पे लिखा हुआ है इसको एक बार बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे पिछले क्लास में बच्चों ने इतना खतरनाक कमेंट किया था मतलब दैट वॉज वंडरफुल बच्चों ने पूरे क्लास में जो इंग्लिश में सीखा है सब इंग्लिश सेंटेंसेस उन्होंने लिखा आप भी ये कर सकते हैं और लिखते वक्त बोलते हुए लिखना लिखते वक्त बोलते हुए लिखना ठीक है जितने भी बच्चे लिखेंगे मैं उनसे यह उम्मीद करती हूँ कमेंट्स में जब आप लिखेंगे मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बोलते हुए उन चीजों को लिखेंगे जो कुछ भी आप लिखेंगे कमेंट पूरी तरह से कोशिश करना इंग्लिश में करने की चाहे कितनी भी गलतियां हो गलतियों से नहीं डरना है और जो भी कमेंट करेंगे वीडियो के बाद उसको बोलते हुए लिखना है बोल हुए लिखना है ठीक है और प्रैक्टिस करते रहो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इंग्लिश में कमेंट करिएगा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा दैट्स ऑल फॉर फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच गेटिंग कनेक्टेड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरी एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद सुमन शर्मा जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा राइट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जय हिंद हिंदी